हेलो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं कि अगर आपका अकाउंट ओपन है, डीमैट अकाउंट ओपन है आपका पेटीएम मनी में, तो आप पेटीएम मनी से अगर आप यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से पेटीएम मनी का यूज़ करके आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्लस का आप यहाँ पर फंड का एनालिसिस देखेंगे कि आप किस तरीके से किसी फंड को देखेंगे और उसका कैलकुलेशन भी करेंगे कि अगर आप मंथली कितना रुपये इन्वेस्ट करते हैं ताकि आप यहाँ पर 15 या 20 साल में आप करोड़पति बन सकें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में पेटीएम मनी मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहां पर क्रिएट करने के बाद दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि इसके जो यूजर्स हैं पेटीएम मनी के 1 करोड़ से भी ज्यादा हैं। ठीक है, ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से आप यहां पर स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में, एफएनएम में यहां पर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, यहां से आप पेटीएम मनी में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आप स्टॉक्स में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, एफएनएम में ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आप आईपीओ में भी अप्लाई कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका प्लेटफॉर्म कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। दोस्तों पहला आपका होम का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि स्टॉक्स का दिया हुआ है, फिर आपका यहां पर म्यूचुअल फंड का दिया हुआ है, फिर अपकमिंग आईपीओस, तो जो भी आईपीओ है या एनएफओ है या बॉन्ड्स हैं वो यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और म्यूचुअल फंड का यहां पर आपको कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, फिर यहां पर क्विक एक्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे कि एसआईपी कैलकुलेटर और स्टॉक वॉच लिस्ट हो गया, ये सब आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा एफएनओ है। ठीक है, तो एफ एंड ओ पर आप क्लिक करेंगे। सो दोस्तों अभी मैंने एफ एंड ओ को एक्टिवेट नहीं किया है इसलिए बोल रहा है एक्टिवेट करने के लिए। ठीक है, अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। और दोस्तों यहां पर फिर आता है हमारा स्टॉक्स का ऑप्शन आता है, तो स्टॉक्स पर आप क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा स्टॉक्स का। ठीक है, तो यहां पर आपका स्टॉक्स का मिल जाता है और यहां पर आपका दिया हुआ निफ्टी 50 का चार्ट देखने को मिल जाता है, तो यहां से आप निफ्टी 50 का चार्ट भी देख सकते हैं और यहां पर आपको सारे के सारे जो आपका स्टॉक्स हैं वो यहां पर आपको देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको नीचे वॉच लिस्ट का ऑप्शन, पोर्टफोलियो का ऑप्शन, ऑर्डर का ऑप्शन और यहां पर अकाउंट का ऑप्शन सारे के सारे आपको मिल जाते हैं। ठीक है, ये आपका खुल के आ चुका है स्टॉक्स का प्लेटफॉर्म, लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड का। तो यहां पर आपको जो चौथा ऑप्शन है वो म्यूचुअल फंड का आता है, म्यूचुअल फंड का हम लोगों ने ओपन कर लिया। ओपन करेंगे तो ये नीचे के जो ऑप्शन है वो भी बदल जाएंगे, पहले आपका डैशबोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है, दूसरा इन्वेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तीसरा पोर्टफोलियो का, चौथा वॉच लिस्ट का, फिर पांचवा फॉर यू का। ठीक है, ये आपका दिया हुआ, तो मैं पहले डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूं। सबसे ऊपर ये दिया हुआ बेनिफिट्स ऑफ इन्वेस्टिंग वाया पेटीएम मनी, तो ये दिया हुआ अप टू 1% हायर रिटर्न्स, जहां से आपको अदर से आपको जितना भी रिटर्न मिल रहा है तो यहां से आपको अप टू 1% हायर रिटर्न्स मिलेगा। ठीक है, और जीरो कमीशन, मतलब कि यहां पर जो आपका पेटीएम मनी द्वारा कोई भी कमीशन नहीं लिया जाएगा अगर आप यहां पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो, और नो लिमिट ऑन बाय और सेल, अगर आप बाय और सेल करते हैं तो कोई भी लिमिट भी नहीं है। और यहां पर आप ऑटो पे लगा सकते हैं, जैसे कि क्या होगा कि अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में मंथली एसआईपी करते हैं तो आपका हर मंथ आपके बैंक अकाउंट से रुपए कट हो जाएगा और उस फंड में, जिस फंड में आपने एसआईपी किया हुआ है वहां पर इन्वेस्ट हो जाएगा। यह प्रोसेस आपका ऑटो पे होगा। ठीक है, मतलब कि ऑटोमेटिक होगा, आपको केवल एक बार सेट कर देना होगा। और दोस्तों यहां पर आपको बहुत सारी स्कीम्स देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब दूसरे ऑप्शन नीचे दिया हुआ इन्वेस्ट का, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको बहुत सारा देखने को मिल जाता है, जैसे कि टॉप रेटेड फंड, इस पर क्लिक करेंगे तो जो टॉप रेट के फंड है वो देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी विनर का देखने को मिल जाएगा, फीचर्ड फ्रॉम AMC, NPS, नेशनल फंड, नेशनल पेंशन स्कीम आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे दिया हुआ, प्लस का फंड का कैटेगरी, तो यहां पर देख सकते हैं कि इक्विटी में आपका टेक्नोलॉजी, मल्टी कैप, बैंकिंग, कंजम्पशन डिमांड एंड वैल्यू ओरिएंटेड, लार्ज कैप, PSU, एनर्जी। ठीक है, तो ये सब आपको यहां पर देखने को मिल जाते हैं। हाइब्रिड पर क्लिक करेंगे तो हाइब्रिड का आपके जितने भी टाइप्स होते हैं वो देखने को मिल जाएगा, डेप्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा, टैक्स सेवर में, कॉमोडिटी में, सब आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नीचे आएंगे तो इन्वेस्टमेंट आइडियाज़, तो अगर आप यहाँ पर टैक्स को सेव करना चाहते हैं, व्यू वॉल पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। बेटर देन फिक्स डिपोजिट, अगर आप FT से बेटर चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो आपको फंड आ जाएंगे, इंडेक्स फंड आ जाएंगे। ठीक है, ये दिए हुए हैं, तो अलग अलग तरीके से दिए हुए हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि हाई रिस्क फॉर हाई रिटर्न्स, आप चाहते हैं कि मैं हाई रिस्क ले सकता हूँ, मुझे हाई रिटर्न्स चाहिए, तो यहाँ पर उसने वो वाले फंड दे दिया हुआ है जो कि स्मॉल कैप के फंड है, जो हाई रिस्क की फंड है और यहाँ पर जिन्होंने हाई रिटर्न्स भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। अब नीचे आएंगे तो ये दिया हुआ इंट्रोड्यूसिंग NPS नेशनल पेंशन सिस्टम, ये दिया हुआ है। ठीक है, इसके जो कुछ फंड हैं जैसे कि ये दिया कोटक महिंद्रा पेंशन फंड स्कीम दिया हुआ है, ICIC प्रूडेंशियल पेंशन फंड, तो यहाँ से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे फंड मिल जाते हैं। ठीक है, और नंबर तीसरा ऑप्शन है पोर्टफोलियो का, इस पर आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो भी SIP करेंगे या लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वॉच लिस्ट में आपको इसी को ऐड किया होंगे तो यहाँ पर आपको दिखने जाएगा, जैसे कि रिसेंटली मैंने अभी व्यू किया हुआ है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का, तो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और तो चलिए दोस्तों हम लोग इन्वेस्ट पर क्लिक करते हैं और इक्विटी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ फ्लेक्सी कैप में, और फ्लेक्सी कैप में मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर दोस्तों
बहुत सारे म्यूचुअल फंड आपके आ जाते हैं, ठीक है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पर इस वीडियो में जो भी फंड डिस्कस करने वाला हूँ वो केवल आपके एग्जाम्पल के लिए ले गए हैं और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो केवल आपके और एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इस पर मैं क्लिक कर देता हूं तो इस फंड के बारे में आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है, ओवरव्यू देख सकते हैं। और यहां पर देख सकते हैं कि 3 साल का जो रिटर्न है इसका। सो गाइस यहाँ पर ओवरऑल देखें तो यहाँ पर 3 साल में इस फंड ने जो रिटर्न दिया हुआ है 127% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। 5 साल की बात करें तो 5 साल में 209% का रिटर्न दिया हुआ है। मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पर 647% का रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है, जबकि निफ्टी 50 ने दिया हुआ है 277.69% का रिटर्न दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये फ्लेक्सी कैप फंड है और यहाँ पर नीचे जाएंगे तो स्टार्ट SIP, आप यहाँ पर SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया हुआ रिस्को मीटर, तो ये जितने भी आपके फंड होते हैं जो कि इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं वो सारे के सारे आपके वेरी हाई फंड होते हैं, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट पढ़ लेने चाहिए और अपने रिस्क पैरामीटर के ऊपर आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना चाहिए। फंड इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फंड की इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, जैसे कि ये ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड फंड का मतलब है कि यहाँ पर कोई भी लॉग इन पीरियड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना है, 1773 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो 0.24% है। कैश होल्डिंग 1.36% है। एज ऑन डेट यहाँ पर ये दिया हुआ है। एग्जिट लोड की बात करें तो यहाँ पर अगर रिडीम करते हैं 30 दिन के अंदर तो आपको 1% देना होगा, ठीक है। इसका जो बेंचमार्क है वो है S&P BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंट अगर देखना चाहते हैं तो व्यू पर क्लिक करके इसके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं। स्कीम होल्डिंग्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल्स में 22.14% का इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल में 13.74% का इन्वेस्टमेंट है। ऑटोमोबाइल में 9.81% का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनीज पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे कि यहाँ पर किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, तो जैसे हैं कि HDFC बैंक लिमिटेड में 5.6% है, ICICI बैंक में 4.47% है, लार्सन एंड टुब्रो में 4.47 है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फंड्स इन दिस कैटेगरी, इस कैटेगरी के और वो फंड है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और नीचे आएंगे मोर फंड्स फ्रॉम दिस AMC, तो इस AMC के और भी फंड है, ठीक है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी के और भी फंड है तो इनको आप देख सकते हैं, ठीक है। और तो दोस्तों आप इस तरीके से यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये फंड में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.24% है। सो गाइस अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं तो स्टार्ट SIP पर नीचे पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो वन टाइम पर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर वन टाइम में जैसे कि अगर आपके पास 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000, 1,00,000 है तो आप इसको वन टाइम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार में इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं तो नीचे स्टार्ट SIP का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब SIP अमाउंट तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिनिमम 100 रुपये से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 100 रुपये कर दिया है। डे ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप कौन से दिन को चूज़ करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ जैसे कि 15th को, ठीक है। आप कोई भी महीने का कोई भी डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा तो उस डेट को आपको यहाँ पर आपके बैंक से रुपये कट जाएगा और यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा इस फंड में, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कर दिया है और नीचे प्रोसीड पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा तो हमको यहाँ पर OTP फिल करना है। सो गाइस मैंने OTP को फिल कर दिया है। अब यहाँ पर दिया हुआ है प्लीज़ एंटर OTP टू कंप्लीट द 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो एक और OTP आया हुआ है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैंने फिल कर दिया है, ठीक है। और इसको भी वेरीफाई पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा हो चुका है, अभी आ रहा है मेक पेमेंट के लिए, तो हम लोग यहाँ पर किसी भी UPI ऐप से पेमेंट कर देंगे। जो भी बैंक अकाउंट आपका लिंक होगा आपको उसी से करना होगा। तो मैं यहाँ पर UPI ऐप फोनपे को सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर Pay 100 पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पेमेंट है वो मैंने यहाँ पर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर दिया हुआ इट यूजली टेक्स 2-3 business days फॉर यूनिट एलोकेशन आफ्टर पेमेंट कंफर्मेशन, ठीक है। अब हमारा यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर विद इन 2-3 working days में हमको NAV अलॉट कर दिया जाएगा। सो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया कि मैंने यहाँ पर मैनुअली पेमेंट कर दिया। अब नेक्स्ट SIP से मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली हमारे बैंक अकाउंट से कट जाए, तो उसके लिए हमको यहाँ पर करना होगा सेटअप ऑटो पे, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको हर बार यहाँ पर SIP मैनुअली नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से कट जाएगा और यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे सेटअप ऑटो पे पर क्लिक करके यहाँ पर अपना सेटअप कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना कंप्लीट कर लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पर मैंने जो ऑटो पे है वो कंप्लीट कर लिया है, इसी तरीके से आप भी कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम लोग नीचे आएंगे दोस्तों,
तो यहाँ पर अब हम पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर जीरो दिखा रहा है, ठीक है। नीचे दिया हुआ ट्रांजेक्शन इन प्रोग्रेस, तो ये ट्रांजेक्शन है अभी प्रोग्रेस में दिखा रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने किया हुआ है। हमको यहाँ पर यूनिट एलोकेटेड किया जाएगा, आज सैटरडे तो आज मार्केट बंद है, कल मार्केट बंद है, अब यहाँ पर मंडे को ओपन होगा तो हमको यूनिट भी अलॉट कर दिया जाएगा। सो गाइस इस तरीके से अगर आप यहाँ पर SIP करना चाहते हैं पेटीएम मनी मोबाइल एप्लीकेशन से तो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑटो पे लगा के उसको कर सकते हैं कि आपके हर महीने आपको ऑटोमेटिकली फंड इन्वेस्टेड होता जाएगा, ठीक है। सो गाइस इस तरीके से आप यहाँ पर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस इस वीडियो में केवल इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। थैंक यू।